इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन यानी बुधवार को इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी। G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा कि दुनिया को G20 से काफी उम्मीदें हैं और वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। बता दें कि बाली के इंडोनेशिया में 1 दिसंबर से भारत को मिल रही G20 की अध्यक्षता को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि पीएम G20 का जिम्मा ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी से दुष्प्रभाव से जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। पीएम ने कहा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव यानी पहल को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुखद संयोग है कि हम G20 अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता रहा है।